जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल ठीक से रख रहे होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्को साइन, यानी कि कन्या राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि जून 2021 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये महीना कैसा जाने वाला है आपके लिए। वर्को पीपल, देयर इज़ समथिंग जो आपको बॉदर कर रहा है, समथिंग टॉक्सिक, कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, या यूँ कह लीजिए कि आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं किसी, लाइक कोई ऐसी सिचुएशन है, मे बी समथिंग स्टबन या कुछ है, कोई साइलेंट है या कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अनहेल्दी सिचुएशन है। यस, इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट लव और मे बी हो सकता है योर हैप्पीनेस। सो कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है और आप, या यूँ कह लीजिए आप या ये पर्सन, हो सकता है कोई अपने आप को गार्ड कर रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डन है आप इस रिलेशनशिप को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है बर्डन है, राइट, लाइक लॉट ऑफ बर्डन। या तो हो सकता है कि देयर इज़ लाइक समथिंग हिडन, कुछ हाइड कर रहा है कोई, कुछ टॉक्सिक है, कुछ सिचुएशन ऐसी है। यस, आप या कोई इस सिचुएशन में लाइक एक दूसरे को रीच आउट करना चाहते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हो सकता है ये पर्सन आपको रीच आउट, मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज लाइक समबडी, या तो कह लीजिए कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या हो सकता है किसी के एक्स वाइफ हो या एक्स हस्बैंड हो या कोई है जो आप दोनों ही अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा है, कुछ है, राइट, और हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, थोड़े से प्रैक्टिकल हो, थोड़े से स्टबन हो, राइट। यस, हो सकता है कि कोई डिवोर्स केस चल रहा हो या कोई सेपरेशन फेस चल रहा हो आप लोगों के बीच में, और कोई न्याय का वेट कर रहा है, कोई फैसले का वेट कर रहा है और बर्डन है रिलेटेड टू मनी, कोई इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों के बीच में और देयर इज समथिंग हिडन। यस, देयर इज मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है यहाँ पे, और हो सकता है किसी का कोई फ्रेंड हो, कोई कुलीग हो, या कोई हो सकता है कि आपका कोई यूँ कह लीजिए कि कोई किसी को आप बहुत टाइम से जानते हो और आपको कोई मिस कर रहा है या कि आप किसी को मिस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आई एम गेटिंग टू स्टोरीज, हो सकता है कि किसी का लाइक कोई सेपरेशन फेस के थ्रू निकल रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लाइक किसी की एक्स वाइफ हो, किसी की एक्स हस्बैंड हो, देयर इज द डेविल कार्ड, देयर इज समथिंग, कुछ हिडन है, कुछ टॉक्सिक है इन दिस रिलेशनशिप, किसी के माइंड में कुछ चल रहा है बहुत ज़्यादा, या कोई कुछ छुपा रहा है, आप हो, आपके पर्सन हो, वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स। कोई आपकी तरफ वापस आना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप या इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आप आगे बढ़ना चाहते हैं बट आप इमोशंस को होल्ड करना चाहते हैं और कोई आपकी तरफ आना चाहता है, राइट। मुझे ऐसा लगता है किसी को मिस कर रहा हो कोई, या अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा हो कोई, या यूँ कह लीजिए कि मे बी हो सकता है कि अबाउट, दिस इज़ अबाउट न्यू लव, या मे बी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ बर्डन गोइंग ऑन किसी चीज़ को लेके, हिडन, कुछ हिडन है, राइट। या तो हो सकता है कि कोई किसी के पास चॉइसेस हो, या हो सकता है आपको ना पता हो या आपको पता हो, राइट। सो हो सकता है ये फैमिली, कोई फैमिली में है, कोई वेट कर रहा है किसी चीज़ का अपनी लाइफ में, और कोई आगे बढ़ना चाहता है किसी चीज़ का, कोई वेट कर रहा है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। या तो हो सकता है कि किसी फैसले का इंतज़ार कर रहे हो, या हो सकता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो आप, और दो बातें हैं, या तो मनी इश्यूज़ हैं, हो सकता है कि किसी को लीगल कुछ अप्लाई करना हो डिवोर्स के लिए, सेपरेशन के लिए, एंड मनी इशू आ रहा है आप लोगों के बीच में,
और या तो हो सकता है कि येस देर इज़ लाइक थर्ड पार्टी गोइंग ऑन इन दिस रिलेशनशिप, लाइक कोई चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, आप किसी को मिस कर रहे हैं और बट आप बंधे हुए हैं, यू आर स्टक. लॉट ऑफ स्टोरीज आई एम गेटिंग, मुझे बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पे मिल रही हैं, बट स्टिल आपको होप है कि शायद कुछ ठीक हो जाए, शायद कुछ आगे आप लोगों के बीच में कुछ हो, लाइक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, बिकॉज आप उस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हैं एंड हो सकता है कि यू फाइंड देम वेरी इररेसिस्टिबल, और हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन की तरफ, राइट. सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं. डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं सिचुएशन में, मुझे ऐसा लग रहा है. और बात करें अगर करियर की, सो मे बी हो सकता है, अगेन मैं यही कहूँगी कि आप डिटरमाइंड हैं किसी चीज़ को लेके, मे बी हो सकता है कि आप काम के प्रति भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ मनी को लेके, या हो सकता है कोई बिग इन्वेस्टमेंट हो उसको लेके आप बर्डनड हैं बहुत ज़्यादा, और बट आप किसी फैसले का वेट कर रहे हैं. यू आर लाइक एम्परर, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यू आर फोकस्ड ऑन योर मनी, बट क्योंकि वर्क प्लेस से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉक्सिक है, कुछ अनहेल्दी है जो आपको पुल बैक करता है, मुझे ऐसा लगता है. और लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, स्टिल आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग अहेड. एक्सक्यूज मी, आप आगे बढ़ रहे हैं. मे भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कुछ मिल के काम करने के लिए सोच रहे हो, अपना काम एक्सपांड करने के लिए सोच रहे हैं, आप बढ़ाने की सोच रहे हैं. ओवरसीज भी हो सकता है कि आपका कोई किसी के साथ कोई लिंक हो, रिलेटेड टू, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू योर वर्क, आप कुछ काम उनके साथ सोच रहे हो करने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा कोई टाइम लग रहा है यहाँ पे, कोई शेडी है, कोई आपको कोई फैसला नहीं मिल रहा है, आप लाइक वेट कर रहे हैं. बट डोंट वरी, चेंज विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू. वी हैव 9 एंड वी हैव 10. 9 इज लाइक नंबर ऑफ, लाइक आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, देन देयर इज स्टार कार्ड होप. सो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यू विल मूव फॉरवर्ड, और आगे चल के सॉर्ट आउट होंगी, येस डेफिनेटली चीज़ें, और आप हैप्पी फील करेंगे, कंटेंट फील करेंगे. एंड अभी आप मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इस चीज़ के बारे में गाइडेंस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, और यू आर लर्निंग इन द लर्निंग प्रोसेस, राइट, विद द हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा लग रहा है, सो दैट आप आगे बढ़ सकें. सो डोंट वरी, अगर चीज़ें अभी आपको लग रहा है कि स्लो पेस पे हैं, देन यू हैव होप, यू हैव विश फुलफिलमेंट. यहाँ पे भी हमारे पास 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट, राइट. सो चीज़ें बदल जाएंगी, आप आगे बढ़ेंगे एंड यू विल मूव फॉरवर्ड, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं. जल्दबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है, राइट. अगर आप फोकस्ड हैं, येस आई नो दैट आप फोकस्ड हैं, और चेंज इज ऑल्सो कमिंग. दैट वॉज आई वॉज टेलिंग यू कि 9 and 9, 9 इज नंबर ऑफ चेंज, राइट, एंड चेंज इज कमिंग, एंड 10, देन वी हैव 10, इट्स कम्प्लीशन, राइट. सो डोंट वरी, आगे चल के चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी आपके लिए. सो जो कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, ये एनर्जी लग रही है, मे भी हो सकता है कि आपको समथिंग इज बॉदरिंग, आपको कुछ चीज़ बॉदर कर रही है, यू कह लीजिए आपको वर्क फ्रंट पे कोई कोई आपको कोई समथिंग इज स्नीकी, या कोई बैंक, कोई आपके बैक पे कुछ बातें चल रही हो, कोई कुछ ऐसा कुछ चल रहा हो जो आपको बॉदर कर रहा है. सो उस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है. लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल. For all the Virgo people, yes, अपने आप को रिलीज कीजिए एंड बैलेंस योर सेल्फ. आप अपने आप को, आपने केज पे बंद किया है. सिक्स ऑफ सोर्स, लॉट ऑफ लाइक, देखिए दो चीज़ें हैं. अगेन वी हैव 10, राइट, अपने आप को हील कीजिए. 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस. सो अगर आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, राइट, अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं सिचुएशन में, आप आगे बढ़ते हैं यू लाइक, सो इसमें से आप अपने आप को रिलीज करते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, कुछ भी है. सो आपके लिए चीज़ें आगे स्मूथ ऑन होंगी, बढ़ेंगी, राइट. एक्सक्यूज मी, येस, अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आप अपने आप को इस केज में से निकालते हैं और अपने आप को बैलेंस करते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, यिन एंड यांग, इट्स ऑल विद इन अस, राइट. अपनी जो एनर्जीज को, डिवाइन
फेमिनाइन एनर्जी को, मैस्कुलाइन एनर्जीज को अगर हम बैलेंस करते हैं और हम को डिपेंडेंट नहीं होते किसी चीज़ पे, राइट, और ये जो बैगेज है जो आप कैरी कर रहे हैं उसको रिलीज करने का वक्त आ गया है. और अगर आप बात अगर इफ़ यू आर मिसिंग समबडी, राइट, सो देन ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए. सिक्स ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिया, तो हो सकता है कि येस आई अगेन सो टेन टेन, सो येस डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू टेन में भी हो सकता है. आप ये नंबर बहुत देखते हो, बिलीव मी इट्स अ नंबर ऑफ लाइक आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड यू आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, राइट, सो बी इन दैट जोन. एंड देखिए वी हैव टेन ऑफ कप्स, इट्स अबाउट बींग इन योर ओन स्किन और अपने आप में ट्रस्ट करना, विश्वास करना, सरेंडर करना टू द डिवाइन. इंटीग्रेशन इज ऑल्सो अबाउट टेम्परेंस, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर सेल्फ, बैलेंसिंग योर एनर्जीज, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आप करियर है. अगर हम अपने आप को सेंटर्ड रखते हैं और ये सोच के चलते हैं कि येस नथिंग इज आउट ऑफ अवर रीच, हमारी रीच से कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं है, राइट, लाइक खुशी एंड गम जो भी है, सो इक्वली ट्रीट कीजिए उस चीज़ को और आगे बढ़ते जाइए एंड मूव ऑन करते जाइए एंड यू विल फील हैप्पी, यू विल फील कंटेंट. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल. आपको अगर रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए.